सूरत कपड़ा बाज़ार में प्रतिदिन 4 करोड़ मीटर कपड़े का प्रोडक्शन होता है। उसके अंदर हम लोगों में 7 लाख लूम्स, 1,10,000 एम्ब्रॉयडरी मशीन, 400 प्रोसेस हाउस और 65,000 ट्रेडर्स एसोसिएशन जो हमारी संस्था के हैं, ये सब मिलकर के प्रतिदिन 4 करोड़ मीटर कपड़ा बनाते हैं और 4 करोड़ मीटर कपड़ा हमारे ट्रेडर्स भाई बेचते हैं। आज दिन तक आज़ादी के बाद कपड़े कभी भी कपड़े पे कभी टैक्स नहीं था, वन टाइम यान पे टैक्स ले लिया जाता और बाकी को हमेशा लोगों को रोज़गार किस तरीके से मिले आज़ादी के बाद, यही हर सरकार ने उस कपड़े को बारे में सोच रखा था। मैक्सिमम लोग जो इससे रोज़गार कमाते हैं उसमें 75% लोग या 70% लोग जो गाँवों से आया करके मात्र आजीविका या रोजी रोटी कमाने के लिए लगे हुए हैं। अब इतने बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जब टैक्स लगाया तो हमारे छोटे छोटे व्यापारियों में तथा छोटे छोटे व्यूवर्स में, छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी में तथा रोज़ाना की दाल रोटी कमा करके खाने वाले लोगों के अंदर इस तरीके का लगा कि हम बेरोजगारी की तरफ जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। जीएसटी से व्यापार 40% डाउन हो गया। जीएसटी के चलते से घर से लेकर बाहर तक धंधा कम हो रहा है। आज 500 रुपये का इलेक्ट्रिक बिल खरीदने मैंने गया, उस पर 140 रुपये जीएसटी लग गई। पार्सल का धंधा करते हैं, पार्सल में कमाई नहीं होती है। हमारी एसोसिएशन के मार्फत हम लोगों ने सरकार से यहाँ जाकर के बातचीत भी की, उसमें 20 दिन का यहाँ सूरत का आंदोलन भी हुआ, परंतु उस समय सरकार जब जीएसटी लाई उसको किसी भी तरीके से व्यापारी की बात को सुनना नहीं था। और हालात आज की तारीख में ये है कि जो 4 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिदिन हमारा सूरत में बनता था वो 1.5 करोड़ मीटर कपड़े के प्रोडक्शन पर आ गया। 2.5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन प्रतिदिन का नुकसान होकर के उससे जितना जुड़ा हुआ रोज़गार था, चाहे वो वीविंग पे 2.5 करोड़ मीटर के लिए एक्स्ट्रा रोज़गार था, चाहे एम्ब्रॉयडरी के लिए था, चाहे महिलाओं का था, चाहे ट्रेडर को, व्यापारी भाई को माल 2.5 करोड़ मीटर के लिए जो रोज़गार मिला था, वो सारा का सारा खत्म हो गया। अचानक से बिना किसी पूर्व तैयारी के जीएसटी को कपड़े पर लाद दिया गया। इससे जो कपड़ा व्यापारी है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, वे सरकार के प्रति आक्रोश में अवश्य थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और सरकार ने हमारी बात सुनना भी गवारा नहीं समझा, हमारी बातों को नज़रअंदाज किया। इसका खमियाजा कुछ अंशों में सरकार भुगत भी सकती है, मैं ऐसा मानता हूँ। आम आदमी जो 80% यहाँ से तकलीफ भुगत रहा है, उसके दिमाग में एक बात ये अच्छी तरह आ गई है कि यह सरकार हमारे व्यापारी वर्ग की अगर नहीं सुनती है तो इनका दिमाग ठिकाने के लिए एक बार कहीं ना कहीं हमें तो अपना व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व तो आए या कहीं और जगह वोट करना पड़े तो इस सरकार को सबक देना चाहिए। ये अंदर ही अंदर करंट है लोगों में। यहाँ 22 साल से राज गुजरात के अंदर है। जितना 2 नंबर का धंधा गुजरात में होता है उतना कोई प्रांत में नहीं होता। अभी ये टेम्पू भर के जाएगा, सारा ट्रांसपोर्ट करोड़ा जा रहा है। 5 पुलिस चौकी को हमको संभालना पड़ेगा तब ये माल बुक कर पाएंगे। जो सरकार ने भी 28% से जो 18 किया कई आइटम से, वो सरकार की मजबूरी है। अभी गुजरात इलेक्शन है, हम सरकार से बार बार यह की रजवाद कर रहे हैं कि आप इसका सरलीकरण कीजिए। आप सरलीकरण करोगे तो हम व्यापार कर पाएंगे। आप तो हमारे हाथ पैर बांध दिए और फ्री स्टाइल कुश्ती में हमारे को बेच दिया। हमें जीएसटी का विरोध नहीं है, टैक्स का विरोध नहीं है। आपकी प्रणाली और आपका ये फॉर्मेलिटीज इतना है कि वो हर आदमी इस उद्योग से जुड़ा हुआ है वो पूरा नहीं कर पाएगा और उसी वजह से ये उद्योग चरमरा है, ये निश्चित बात है। टेक्सटाइल के व्यापारी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे, लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं है।